लिफाफा खुला हुआ है, इसका मतलब इन्होंने ये फोटोज देख लिए। ये लड़की प्रीत वही है ना जो अपनी साक्षी और दिया की दोस्त है, और मेरे बेटे को इस लड़की से प्यार हो गया है। आई होप कि तुम दोनों साथ मिलकर अपना काम अच्छे से करोगी। श्योर मैम, आई विल। यस मैम। गुड। बेटर होगा पहले हम डिसाइड कर ले कि लीड कौन करेगा। दिया, इसमें लीड करने जैसी कोई बात नहीं, जिसके सजेशन बेटर होंगे वो अप्लाई किए जाएंगे, एंड आई थिंक हमें मिलकर काम करना है। आई नो, मेरे ही सजेशन यूज होंगे। चलो कल है? ऐसे चुपके चुपके मेरे कमरे में क्यों आ रही है तू? बेबे, मैं तुहानू कुछ दिखाना है। वही लड़का है ना जो शीरा से लड़ने आया था? हाँ जी बेबे। निमृत, मैं बहुत नाराज हूँ प्रीत से। मुझे उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने झूठ बोला है मुझसे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी मैं उससे। नहीं बेबे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी प्रीत ऐसी है ही नहीं। हो सकता है ये हमारी गलत फहमी हो। चुप कर निमृत, प्यार में अंधी मत बन। तुझे दिख नहीं रहा वो वहां क्या कर रही है? देख। नहीं बेबे, ये जो दिख रहा है ना वो गलत है। निमृत, ये जो हो रहा है ना इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, और ये सब प्रीत की वजह से होगा। निमृत, इस बार प्रीत गलत है। अच्छा फंसाया उसने मुझे बाप बेटी के बीच। ये बता, ये फोटो तुझे मिली कहां से? बेबे, ये तस्वीरें मेरी अलमारी में थी, हो सकता है इन्होंने रखी होंगी। हाय रब्बा। इसका मतलब है शीरा सब जानता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर उसने कुछ गलत करने का सोच लिया ना तो बड़ी परेशानी होगी। पता, मुझे चुकिंदर से इस बारे में बात करनी होगी, उसे बताना होगा इसके बारे में। बेटा, वो ही कुछ करेगा अब। कैन इट ब्रीथ? आपके बड़ी कहाँ है और आपका स्क्वाड? मेरी बड़ी को जॉब मिल गया। साक्षी और दिया गेस्ट ऑफिसर के वेलकम फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई और सवाल सर? लगता है कल की बात के लिए तुम अब भी नाराज हो प्रीत। कल की हरकत के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे एहसास हो गया कि मैंने कल जो किया वो बहुत गलत किया। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पता कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। यकीन मानो प्रीत, कल की हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी इस हरकत की वजह से मेरा तमाशा बन रहा है, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ
आपकी और कुलजीत की वजह से। इन सब चक्रों के कारण मैंने अपना ही करियर बर्बाद कर रखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अपने करियर को बर्बाद करने के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जब तुम्हें पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने कुलजीत के साथ रोका किया ही क्यों? प्रीत, तुमने खुद अपनी लाइफ को गलत दिशा में मोड़ लिया है। ये मेरी लाइफ, इसे कैसे जीना है ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और वैसे तुम तो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, सो प्लीज तुम ये बातें मत करो तो अच्छा है, समझे? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनके इतनी परेशान क्यों हो गई थी? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल आए थे प्रीत? बचपना था मेरा, समझ नहीं पाई थी तुम, समझ नहीं पाई थी कि तुम भी और लड़कों की तरह हो जो हर रोज एक नई लड़की का इंतजार करता है। प्रीत, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? दोहराने की जरूरत है क्या? नहीं, इनफैक्ट अब कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं, और जो भी कहा उसके लिए थैंक यू, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। जा रही हूं मैं यहां से, और मुझे अपनी शक्ल दिखाने की भी कोशिश मत करना। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ फील किया। The feeling is mutual. Well, तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। चीफ गेस्ट के अलावा जो भी गेस्ट आएंगे उनके वेलकम और उन्हें बिठाने की जिम्मेदारी दिया तुम्हारी। मीनाक्षी, यू टू, तुम भी। बाकी का सारा काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। डेकोरेशन, रंगोली, खाने पीने का इंतजाम, एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? यस। लेट्स स्टार्ट, टाइम बहुत कम है। चलो। फाइनली डन एंड ब्यूटीफुल। Enough is enough, Cadet Dia. How many times I have to tell you the same? हम यहां साथ मिलकर काम करते हैं। Cadet साक्षी आपकी बड़ी है और ये आपका स्क्वाड। आपको इनके साथ मिलकर काम करना है, ना कि इनसे कॉम्पिटिशन। ये जो आपने किया है ना, इसके लिए आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और आपकी पनिशमेंट ये है कि
कि आने वाले रिटर्न एग्जाम्स में आपके सिक्योर्ड मार्क्स में से 15% मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ओह गॉड, अगर ऐसा हुआ तो दिया चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, वो बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। क्या करूं मैं? यस, आई विल मेक अ नोट ऑफ इट। वेट, मैम एक सेकेंड। आई थिंक आपको दिया को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, तो कैडेट साक्षी अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किसे पनिश करना और किसे नहीं? आई एम सॉरी मैम, दिया को ये रंगोली मिटाने के लिए मैंने ही कहा था। व्हाट? यस मैम। एक्चुअली जब डेकोरेशंस के लिए सजेशन लिए जा रहे थे तो मैंने ही दिया को इंसिस्ट किया था कि रंगोली बनाते। इनफैक्ट हर सजेशन वॉज बेटर, पर फिर भी उसने मेरी बात मान ली। पर जब रंगोली बनकर तैयार हुई तो मुझे लगा कि हम सबको लगा कि ये हमारी थीम से मैच नहीं हो रही। तो मैंने दिया से कहा कि इसे मिटा दो, हम कुछ और बनाते। तो मुझे नहीं लगता कि दिया को इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस टीम वर्क, और इस बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी कैडेट साक्षी। फिलहाल मुझे ये बताओ, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन राइट नाउ? एक घंटे में हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो तुम उनका स्वागत कैसे करोगे? तुम यहां विश्राम की पोजीशन में खड़ी रहो, और कैडेट साक्षी एक घंटे के अंदर हमारे गेस्ट के आने से पहले यह रंगोली ठीक हो जानी चाहिए, और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हारे भी हर सब्जेक्ट में से 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और हाँ, ये नई रंगोली हमारी एकेडमी के स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए। डोंट फॉरगेट। यस मैम, आई विल मेक श्योर। मीनाक्षी, इस रंगोली को अगर दोबारा बनाने जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम खराब। एक अगर हम रंगोली दोबारा से बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, जितना पार्ट खराब हो गया है ना वहां पर हम फ्लावर्स की डेकोरेशन कर देते। We'll be right back.
अगर हम रंगोली दोबारा से बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, जितना पार्ट खराब हो गया है ना, वहां पर हम फ्लावर्स की डेकोरेशन कर देते, तो थोड़ा डिफरेंट भी दिखेगा एंड टाइम भी बच जाए। अयो, ये तो एकदम बेस्ट आइडिया है। चलो, लेट्स नॉट डिस्कस। दिया, तुमको मालूम हमारे यहाँ पे अगर दुश्मन भी मुसीबत में होता है ना, उसको हम लोग हेल्प करते हैं। और ये तो तुम्हारा फ्रेंड और सिस्टर दोनों है, तुमने फिर भी ऐसा किया। बैड, वेरी बैड। तुमने एक बार नहीं सोचा कि अगर तुम ऐसा करेगा तो सिर्फ साक्षी का नहीं पूरा पलटून का नाम खराब होएगा। नो, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगा। वो तो अच्छा हुआ उसने तुमको बचा लिया, नहीं तो पूरा पलटून का नाम आज पक्का खराब होता था। नो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था दिया, वेरी बैड। अपने इलाके दे किसी भी व्यक्ति के। मंत्री जी, जोगिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गरीब खाने विच, आइए। ये क्या कर रहे हैं मंत्री जी, क्यों अपने रुतबे को कम कर रहे हैं आप? एक ऐसी बात कर रहे हो जोगिंदर जी, मैं तो खुद आपसे मिलने ले आ रहा थी, आपने मना कर दिता, नहीं तो मैं आपको यहाँ आन दी बिल्कुल तकलीफ नहीं देंदा। भाई, आप जिस मुकाम पर बैठे हैं उसका एक अलग ही रुतबा है, और उस रुतबे के चलते ही सारे लोग तो यहाँ मत्था टेकने आते। अगर सोचिए, अगर भगवान खुद ही भक्तों के घर जा जाकर आशीर्वाद देंगे तो फिर मंदिर की महत्ता क्या रह जाएगी। अपने रुतबे का ख्याल करिए, बिराजिए आप। हाँ, बैठिए आप प्लीज। शुक्रिया जी। खन्ना साहब, जोगिंदर जी ले कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। साहब, नंबर एक दी चीज होनी चाहिए, और हाँ, रहने के लिए गेस्ट हाउस खुलवा दो, और की करना है आपको तो पता ही है खन्ना साहब। हाँ जी ना, शुक्रिया। हम यहाँ रुक नहीं रहे, पीछे कुछ जरूरी काम छोड़ के आए हैं तो हमें जाना होगा। इन सब चीजों को रहने दीजिए, आप बताइए पार्टी का काम काज कैसा चल रहा है? सब कुशल मंगल हैगा, अगर कोई दिक्कत हुई तो जोगिंदर जी आप तो हो ही ना। भाई मंत्री जी, एक छोटी सी विनती है आपसे, आप हमारा एक काम करिए, गांव के नौजवानों के लिए कुछ करिए आप। जोगिंदर जी, हुकुम करो आप। आप हमारे गांव के नौजवानों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, हाँ जी, वो आप लोग कहते हैं ना वोकल ट्रेनिंग सेंटर, जी हाँ, वो खुलवा दीजिए। गांव के मुंडे खाली वक्त में यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं, फिर आपको और पार्टी का नाम भी हो जाएगा। जोगिंदर जी, समझ लो, हो गया। आप तो यही उम्मीद थी। तो ठीक है भाई, अब इजाजत लेते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर। हाँ जी। कुर्सी का रुतबा। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ जी। सुना, अर्जुन के साथ भाग जा। साक्षी,
तुम्हारे गेस्ट का वेलकम कैसे रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा। पर सच कहूं, हम सारे लोग बहुत थक गए। इट वॉज टू टायरिंग। और वो जो गेस्ट आए थे ना, इतने खड़ूस की पूछ मत, सारी चीजों पे एकदम बारीकी से ध्यान था। हम सारे लोग डर रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थैंक गॉड कि भगवान आज हमारी प्लेटून्स के साथ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं और हमारी प्लेटून्स को फुल मार्क्स भी मिले। फिर फिर पैमेला मैम ने हम सबको पनिश कर दिया। वही हमेशा वाली बात, राउंड के 10 राउंड विद द राइफल। तू ना अर्जुन के साथ भाग जा। क्या? हाँ वही कह रही हूं जो तूने सुना। तो भाग जा अर्जुन के साथ। मुझे नहीं भागना कहीं। क्यों, इसमें हर्जी क्या? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? साक्षी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे और अर्जुन के बीच कुछ नहीं है। क्या नहीं है? अगर तुम्हारे और अर्जुन के बीच में कुछ नहीं है तो हम सबको क्यों नहीं दिखाई देता तुम्हारा कुछ नहीं? हम सब देख पाते हैं कि अर्जुन और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, सभी लोग जानते हैं। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बताते, अर्जुन की बातें करते समय तो अपने आप मुस्कुराने लगती, उसकी परेशानियां तुझे परेशान कर देती, उसका खुश होना तुझे खुश कर देता और तू कहती है कि कुछ नहीं। सारे एकेडमी वालों को पता है, हम सब जानते हैं, हम सब देख पा रहे हैं और तू कहती है कि कुछ नहीं। भाई प्रीत की शादी की तैयारियां कहां तक पहुंची? वो वीजी। हाँ जोगी, मैं तेरे से ये बात करने ही वाली थी। बस जैसे ही ये प्रीत की ट्रेनिंग खत्म हो ना तो उसकी शादी करवा दी। आपकी सजा ये है, कल शाम को आप मेरे साथ डिनर पर चलेगी। तो वो राइफल लेके चलना होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैडेट दिया। आई डोंट माइंड अगर आप अपने पहले डेट पर राइफल लेकर आएंगी तो इट्स एब्सोल्युटली योर विश।